नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शिखा ब्यूटी वर्ल्ड में। तो मैं रिसेंटली जनपद और सरोजनी मार्केट गई थी और वहाँ से मैंने काफ़ी सारे इयररिंग्स खरीदे हैं। मुझे बहुत शौक है इयररिंग्स लेने का और आप सबको भी आई होप कि अच्छा लगता होगा इयररिंग्स खरीदना या फिर पहनना अलग अलग डिज़ाइंस के। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना रिसेंट इयररिंग्स हॉल वीडियो। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप और भी ऐसे वीडियोज़ देख सकें, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका आईडी मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, उसे जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मैंने कौन कौन से इयररिंग्स खरीदे हैं। तो फर्स्ट मैंने ये वाले सिल्वर इयररिंग्स लिए हैं, ये काफ़ी पसंद आया मुझे। आजकल ऐसे डिज़ाइंस के इयररिंग्स काफ़ी चल रहे हैं और ऐसा शायद से कोमलिका का जो लुक है वहाँ पर भी पहना है। तो ये सिर्फ 30 रुपीज़ के हैं, मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी अफोर्डेबल है। देन नेक्स्ट मैंने ये वाले हैंगिंग इयररिंग्स लिए हैं, ये भी 30 रुपीज़ का है और मेरे पास वेस्टर्न वेयर के साथ पहनने के लिए इयररिंग्स काफ़ी कम है तो इसलिए मैंने ये वाले इयररिंग्स लिए हैं। फिर मैंने ये हूप इयररिंग्स लिए हैं 30 रुपीज़ में और इन सब की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो पहनने से काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे पास पहले भी हूप इयररिंग्स हैं जो कि थोड़े से छोटे हैं, एक ज़्यादा ही छोटा है ब्लैक कलर का और सिल्वर में एक है इससे छोटे हूप वाले, तो ये बड़े हैं। तो मुझे ये भी चाहिए था वेस्टर्न वेयर के लिए तो सिर्फ 30 रुपीज़ में मैंने इसे लिया है। तो ये वाले जो 3 इयररिंग्स मैंने दिखाए ये मैंने सरोजनी से लिया है, बताना भूल गई थी मैं, तो सरोजनी के इयररिंग्स हैं ये। फिर मैंने ये ब्लैक पीकॉक डिज़ाइन वाले इयररिंग्स लिए हैं, पूरा ब्लैक फिनिशिंग है आगे से और पीछे से गोल्डन है, काफ़ी सुंदर लगे। ये भी सरोजनी से मैंने लिया है 30 रुपीज़ में। तो पहले मैं सरोजनी वाले सारे इयररिंग शो करूँगी, उसके बाद मैंने जो जनपद से लिया है वो दिखाऊँगी। इसके बाद मैंने ये गोल्डन हैंगिंग इयररिंग्स लिए हैं, इसके नीचे ऐसे दो बॉल टाइप के लगे हुए हैं वाइट कलर में, तो उसमें मल्टी कलर स्टोन्स हैं, सिल्वर, गोल्डन, रेड और नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, ऐसे स्टोन्स लगे हुए हैं। तो ये भी 30 रुपीज़ का है, तो मैं इसको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। तो कैमरे का जो ब्राइटनेस है मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि आप लोग को समझ में आए। तो नीचे आप देख सकते हैं मल्टी कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं। देन ये ऑरेंज इयररिंग्स लिए हैं 30 रुपीज़ में, ये गोल्डन वायर और ऐसे मोतियों वाले स्पाइरल टाइप के डिज़ाइन में है, तो ये भी ओनली 30 रुपीज़ का है और 30 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन वाले इयररिंग्स मिल जाते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है तो ये सस्ते भी नहीं दिखते इतने। और ये इयररिंग्स काफ़ी लाइट वेट है तो लॉन्ग टर्म पहनने से भी ये कानों में बिल्कुल भी दर्द नहीं करता है। फिर नेक्स्ट मैंने ये मोर डिज़ाइन में इयररिंग्स लिए हैं गोल्डन में, तो यहाँ पे मरून स्टोन्स लगे हुए हैं, ये भी 30 रुपीज़ का है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो इसे आप किसी भी पार्टी फंक्शन में साड़ी के साथ, ट्रेडिशनल वेयर के साथ पहन सकते हैं, चाहे लहंगा हो गया, साड़ी या फिर सूट के साथ, तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। सिर्फ 30 रुपीज़ के लिए काफ़ी अफोर्डेबल है। नेक्स्ट मैंने ये एंटीक गोल्ड में चांद वाली ऐसे इयररिंग्स लिए हैं जिसमें से लंबे लंबे चेन हैंगिंग है, तो इसका जो डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया, ऐसे इयररिंग्स पहले भी मेरे पास है तो मुझे काफ़ी पसंद आता है, तो इस तरह का मैंने 3 इयररिंग्स ले लिया क्योंकि ऑलरेडी 2 मैंने सेम शॉप से लिया था और मैं भूल गई थी कि इस तरह का मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इस तरह के मैंने 3 लिए हैं। तो ये 50 रुपीज़ का है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है 50 रुपीज़ के लिए और बिल्कुल भी हैवी नहीं है ये इयररिंग। फिर ये सिल्वर इयररिंग्स लिए हैं मैंने सेम शॉप से ही 50 रुपीज़ का, तो यहाँ पे 2 लेयर में है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है और ये ऑरेंज बीच है तो ऑरेंज किसी भी ड्रेस के साथ आप मैच करके पहन सकते हैं, तो ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने सर 2-2 ले लिया सेम शॉप से ही। इसके बाद मैंने ये सिल्वर इयररिंग्स लिए हैं गोल्डन की तरह ही, लेकिन इसका साइज़ बड़ा है, तो मैंने आप लोगों को बोला ही था अभी कि मैंने और एक इयररिंग ले लिया था, मैं भूल गई थी कि मैंने ऑलरेडी वैसा गोल्डन ले रखा है, तो डिज़ाइन पूरा ऑलमोस्ट सेम ही है, बस साइज़ में बड़ा है। तो ये देख सकते हैं गोल्डन और सिल्वर ऑलमोस्ट सेम है, बस साइज़ बड़ा है और ये सिल्वर भी, तो 3 ऐसा सेम डिज़ाइन के ही हो गए, बस एक गोल्डन है, बाकी 2 सिल्वर लिया है मैंने और इसे भी मैंने 50 रुपीज़ में लिया है, तो प्राइस को देखते हुए काफ़ी अफोर्डेबल इयररिंग्स मिल जाते हैं और क्वालिटी सभी की बहुत ही अच्छी होती है। देन मैंने ये वाले इयररिंग्स लिए हैं गोल्डन एंड रेड में कटिंग वर्क वाले और ये वाला पैटर्न मुझे काफ़ी पसंद है, तो इसका प्राइस 110 रुपीज़ था, तो ऐसा मेरे पास ऑलरेडी एक इयररिंग है इससे साइज़ बड़ा है जो मैंने सदर बाज़ार से लिया था, तो ये मैंने गिफ्ट करने के लिए लिया है, तो ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसलिए मैंने लिया है, वरना मेरे पास ऑलरेडी ऐसा बड़े साइज़ का है। द
देन मैंने ये एंटिक गोल्ड में ईयरिंग्स लिए हैं जिसमें झुमके में झुमके लगे हुए हैं, तो देख सकते हैं एक बड़ा झुमका है ऊपर, नीचे छोटे छोटे झुमके लगे हुए हैं और इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, काफ़ी पसंद आया मुझे और ये फंक्शन पार्टी वेडिंग के लिए बहुत ही सुंदर है। तो नीचे छोटे छोटे व्हाइट बीज लगे हुए हैं, इसका प्राइस 150 रुपीज़ है, इसे मैंने सरोजनी मार्केट से लिया है। इसके बाद जो लास्ट ईयरिंग्स मैंने सरोजनी मार्केट से लिया है, ये झूमर डिज़ाइन वाले ईयरिंग्स, इसका जो डिज़ाइन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह का मेरे पास ऑलरेडी एक ईयरिंग है जो कि मल्टी कलर में है, यहाँ पे मल्टी कलर स्टोन्स लगे हुए हैं और ये वाइट एंड गोल्डन में है, तो उसे मैंने गिफ्ट देने के लिए लिया है, इसलिए सेम डिज़ाइन का ही ले लिया है और ये 150 रुपीज़ का है। और मैंने जो लिया था वो सदर बाज़ार से 110 रुपीज़ का था, यहाँ पे बड़े बड़े मोती लगे हुए थे। जैसा भी है, ये वाला डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आता है और इसे आप एज ए वेडिंग गेस्ट किसी भी शादी में हैवी साड़ी के साथ पहन सकते हैं, साड़ी लहंगा या फिर हैवी सूट के साथ किसी के साथ भी ये बहुत ही अच्छे से मैच करेगा। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही गॉर्जियस लुक देगा पहनने से। आप अगर गले में कुछ भी ना भी पहने तब भी ये हैवी ईयरिंग्स पहनेंगे तो लुक कम्प्लीट हो जाएगा, तो मुझे ये बहुत पसंद आए। तो अब मैं दिखाती हूँ कि जनपद मार्केट से मैंने कौन कौन से ईयरिंग्स लिए हैं। तो जनपद के सामने ही पालिका बाज़ार भी है, तो मैं अपने कज़िन को लेके पालिका बाज़ार भी गई थी, तो वहाँ पे मुझे ये ईयरिंग काफ़ी पसंद आए, स्टोन वाले, इससे लंबे लंबे भी थे तो थोड़े वो एक्सपेंसिव थे, 350 का बता रहे थे, लेकिन बार्गेनिंग के बाद भी मतलब ज़्यादा प्राइस नहीं कम किया, तो मैंने ये छोटे साइज़ वाले लिए हैं। ये 150 का मुझे मिला है, बताया था 250 रुपये, लेकिन बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद मुझे ये 150 रुपीज़ में मिला है, तो बहुत ही सुंदर लुक आता है इसे पहनने से। तो मैंने इसे कान में लगा लिया है और ये पूरा स्टोन का है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है कि पहनने में प्रॉब्लम हो ज़्यादा देर तक, तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है मुझे। तो नेक्स्ट मैंने जनपद मार्केट से ये सिल्वर ईयरिंग्स लिए हैं, आजकल बहुत ही ट्रेंड में है और ये सिर्फ मैंने 50 रुपीज़ का लिया है, तो मैंने जो सरोजनी से लिया था ऑलमोस्ट सेम है डिज़ाइन, लेकिन इसका बीच का एम्प्टी है और ये पूरा भरा हुआ है। और मैंने जनपद में एक ही शॉप से 4 ईयरिंग्स ले लिए थे, तो ये रेड एंड गोल्ड में मैंने चांद वाली डिज़ाइन में ईयरिंग लिए हैं 50 रुपीज़ में। तो मेरे पास रेड ईयरिंग्स बहुत ही कम है, मीन्स एक ही है शायद से छोटा, और जब मैं कोई रेड ड्रेस जैसे कि साड़ी हो या फिर सूट हो पहनना हो तो मेरे पास ईयरिंग्स ही नहीं है, तो इसलिए मैंने ये रेड वाला लिया है और ये काफ़ी बड़े हैं और बहुत ही लाइट वेट है। फिर उसी सेम शॉप से मैंने ये ब्लू और रेड में लिया है, तो दोनों का डिज़ाइन सेम है लेकिन बस कलर अलग है, तो मुझे काफ़ी पसंद आए, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा ले, क्योंकि वहाँ पे डार्क ग्रीन फिर पर्पल कलर का भी था और बहुत सारे कलर थे, ऑरेंज थे, तो बहुत सोचने के बाद मैंने ये ब्लू और रेड लिया है क्योंकि इस तरह का ब्लू मेरे पास है ही नहीं, तो काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं ऐसे वाले। तो ये दोनों 50-50 रुपीज़ का है। और लास्ट ईयरिंग्स मैंने ये सिल्वर घुंघरू स्टाइल के ईयरिंग्स लिए हैं और ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, तो इसे इंस्टाग्राम स्टोर्स में मैंने देखा है, जो भी ज्वेलरी सेल करते हैं इंस्टाग्राम स्टोर तो वहाँ पे ये बहुत ही अवेलेबल है, बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल पहनते हैं, फिर मैंने मार्केट में भी देखा है, तो ऐसा मैंने सरोजनी में कहीं भी देखा नहीं है, अगर होगा भी तो मुझे पता नहीं, मैंने नहीं देखा ऐसा। तो ये जनपद मार्केट से मैंने लिया है 200 रुपीज़ में, तो ऑनलाइन लेते हैं तो भी शिपिंग वगैरह मिला के इतना प्राइस हो ही जाता है, कहीं कहीं पे 200 से ज़्यादा भी हो जाता है, तो ये बार्गेनिंग करने के बाद मुझे 200 में मिला है और मेरे कज़न ने भी सेम ऐसा ही लिया था, तो हम दोनों ने लिया था, 200 में मिल गया था। मेरे सारे ऑलमोस्ट ईयरिंग सेम तरह के होते हैं, तो इसका डिज़ाइन सबसे यूनिक है, तो काफ़ी पसंद आए मुझे ये। तो ये ईयरिंग्स पहनने के बाद पूरा लुक ही चेंज हो जाता है, काफ़ी सुंदर लगते हैं और इस बार के पूरे ईयरिंग्स हॉल में मुझे सबसे बेस्ट ये ईयरिंग्स लगे। तो लास्ट में मैं दो नेक पीस भी शो करने जा रही हूँ, जो कि मैंने तभी लिया था जब मेरी कज़न आई थी, तो हम जब इंडिया गेट गए थे वहाँ पे जो शॉप्स लगे होते हैं वहाँ से मैंने ये मल्टी कलर का नेक पीस लिया है, देख सकते हैं कितना सुंदर है, तो ये देखने में काफ़ी स्टाइलिश लगता है और मल्टी कलर का है तो किसी भी ड्रेस के साथ आप मैच करके पहन सकते हैं, और इसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ है, तो प्राइस को देखते हुए मुझे बहुत सुंदर और ये अफोर्डेबल लगा, तो इसी शॉप से मैंने और एक सिल्वर में लिया है, तो सिल्वर कलर का मैंने ये डिज़ाइन लिया है और ये भी 100 रुपीज़ का है। तो ये है नेक पीस और मैंने जो ईयरिंग लिया है सरोजनी से और जनपद से, तो इसके साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो जाता है, तो मेरा पूरा सेट बन गया है, अभी मैं इसे पेयर करके दिखाती हूँ ईयरिंग्स के साथ।
वाले इयररिंग्स भी इसके साथ ऑलमोस्ट मैच हो जाते हैं, तो मैं कोई सा भी इयररिंग्स इसके साथ मैच करके पहन सकती हूँ। तो लेते वक्त मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि ये मैचिंग होते हैं, क्योंकि मैंने इसे अलग अलग जगह से लिया है अलग अलग टाइम पे। तो ये मैंने इंडिया गेट से लिया है, और ये एक मैंने जनपद से लिया है और एक सरोजनी से लिया है। तो बाद में मुझे पता चला कि ये मैच होते हैं ऑलमोस्ट, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो गया है। तो ये थी आज की मेरी जनपद और सरोजनी इयररिंग्स हॉल वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप और भी ऐसी वीडियोस देख सकें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।